सो फाइनली दोस्तों, सुजुकी कंपनी बहुत जल्द अपनी एक 125 सीसी की रेट्रो स्टाइलिश बाइक को हमारे इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च करने वाली है, जिसमें दोस्तों आपको रेट्रो लुक, एडवांस फीचर्स और बेहतरीन माइलेज देखने को मिलेंगे। और इस बाइक की जो प्राइस है दोस्तों, वो भी आपको अफोर्डेबल देखने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो पे दोस्तों, मैं आप लोगों को इसी अपकमिंग बाइक के बारे में कम्प्लीट डिटेल्स में जानकारी देने वाला हूँ कि ये जो बाइक है वो कब तक हमारे इंडियन मार्केट में लॉन्च होगी, इसमें आपको फीचर्स क्या कुछ देखने को मिलेगा और साथ ही साथ इस बाइक की माइलेज और प्राइस क्या रहने वाली है, उन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको बाइक से रिलेटेड ऐसे ही अपडेट मिलती रहेगी। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सुजुकी कंपनी के पास हमारे इंडियन मार्केट में स्पोर्ट्स बाइक तो मौजूद है, लेकिन कोई भी रेट्रो बाइक मौजूद नहीं है, वो भी 125 सीसी सेगमेंट में। और इन दिनों हमारे इंडियन टू व्हीलर मार्केट में 125 सीसी सेगमेंट की बाइकों की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। तो कंपनी ने इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस बाइक को लॉन्च करने वाली है, ताकि कंपनी के पास इंडियन मार्केट में रेट्रो बाइक भी मौजूद हो और 125 सीसी सेगमेंट की भी हो। दोस्तों, इस बाइक के लुक के बारे में बात करी जाए तो दोस्तों, कंपनी ने इस बाइक को रेट्रो स्टाइलिश के साथ साथ एक अट्रैक्टिव लुक भी दिया है, जो कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बाकी आपको इसके लुक को लेकर क्या ओपिनियन है दोस्तों, वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस बाइक के फीचर्स के बारे में बात करी जाए तो दोस्तों, इस बाइक में आपको अच्छे लुक के साथ साथ बेहतरीन फीचर्स भी मिलेगा, जैसे कि दोस्तों इस बाइक में आपको LED DRL हैजार्ड ऑप्शन के साथ साथ कंप्लीट LED का लाइटिंग सेटअप देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों बाइक की लुक को तो एनहांस करती ही है, साथ ही साथ इसमें आपको काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी भी मिल जाती है। दोस्तों, इस बाइक में आपको फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलेगा, जिसमें आपको सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और GPS नेविगेशन सिस्टम जैसी एडवांस फीचर्स भी दिया जाएगा। इसके अलावा इस बाइक में आपको राइडिंग मोड, USB चार्जिंग पोर्ट और साइड स्टर्न इंजन कटअप सेंसर भी मिलेगा। इस बाइक में मिलने वाले ब्रेक और सस्पेंशन सेटअप के बारे में बात करी जाए तो दोस्तों, इस बाइक के फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और रियर में ट्विन शॉक्स एब्जर्बर सस्पेंशन मिलेगा। वही बाइक पे डुअल डिस्क ब्रेक के साथ साथ सिंगल जनरल ABS ब्रेकिंग सिस्टम जैसा सेटअप मिलेगा। इंजन और पावर की बात करें तो इस बाइक में आपको 124.5 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन दिया जाएगा, जिसमें आपको 11 PS की पावर और 12 Nm का टॉर्क देखने को मिलेगा। माइलेज के बारे में बात करें तो इस बाइक में आपको लगभग 50 से 60 का माइलेज देखने को मिलेगा। इस बाइक के एक्सपेक्टेड प्राइस और एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो इस बाइक को जो है 1,30,000 रुपए की शुरुआती कीमत पर 2025 की शुरुआत में हमारे इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है। तो अब आपको इस बाइक का लेकर क्या ओपिनियन है दोस्तों, वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में एक और नई बाइक अपडेट को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।